दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जब भी आप अंडे को लेते हैं तो वो एकदम फ्लूइड पानी जैसा होता है जब निकालते हैं, लेकिन जैसे ही उसे गर्म करने लगते हैं तो वो बिल्कुल गाढ़ा सा होने लगता है। तो क्यों हो रहा होता है ऐसा, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मेरे साथ में है मिस्टर विक्की। विक्की आपका स्वागत है चैनल पे। और विक्की जो है हमारे यहाँ पे शेफ है और उनको काफी टाइम से खाना खिलाते आ रहे हैं। तो आज जो है हम ये करके बता रहे होंगे, तो विक्की जो है इसको आप क्या बनाने वाले हो? इसका मैं हाफ एग फ्राई बनाऊंगा। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कट करके ये जो निकाला है वो एकदम फ्लूइड टाइप का है, पानी के जैसा है बिल्कुल। मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ भी जो है गाढ़ापन नहीं है अभी, राइट ना। इसके फ्लूइड होने का रीजन ये है कि इसमें ज्यादातर कंटेंट जो होता है वाटर का होता है, और वाटर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। मेनली जो इसके अंदर प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है काफी सॉल्युबल फॉर्म के अंदर होता है, और आप ऐसा समझ लीजिए कि सॉल्युबल होने का रीजन ये है कि उसका जो बाहर का जो एक तरह से पार्ट बना होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और जो दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो यानी कि जो कोर के अंदर पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वो एक तरह से वाटर को रिपेल कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखते हैं कि अभी जो प्रोटीन है ये यहाँ पे एकदम फ्लूइड फॉर्म के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोटीन क्या है इसके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो के मैं समझा रखा है। अब इस प्रोटीन के साथ जो एक तरह से प्रोटीन और वाटर का एक तरह से मिक्सचर आप समझ सकते हैं, क्या है कि इसके अंदर जितने भी आप प्रोटीन मैंने जैसा कि आपको बताया, और वो प्रोटीन यहाँ पे इसके अंदर अभी तक सॉल्युबल फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट दिया, हीट देने के साथ में यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेशन फॉर्म में चले जाते हैं, यानी कि उनके जो अंदर के इंट्रेक्शन हैं, जो बहुत अलग अलग तरह के इंट्रेक्शन जिसकी मैंने आपको पहले भी बात की है, वो सारे के सारे इंट्रेक्शन जो है इसके अंदर मिसिंग होने लगते हैं, मतलब ब्रेकडाउन होने लगते हैं। उसकी वजह से एक रैंडम कॉइल टाइप का, कॉइलिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है। इसके हाइड्रोफोबिक जो रेजिड्यू है, जो मैंने बताया था कि अंदर की साइड होते हैं प्रोटीन के, वो एक्सपोज होने लगते हैं, वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिए ये एक प्रोटीन है तो इसका एक हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू है, उसका दूसरे का प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू, ये एक दूसरे से क्लब कर जाएगा और क्लब करके एक तरह से गुच्छा बना लेगा। तो ऐसे समझ लीजिए पहले एक अलग अलग से सेपरेट इस तरह से घूम रहे थे प्रोटीन, और अब गुच्छे बना के ऐसे सैकड़ों प्रोटीन एक साथ जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो किस तरीके से जो है एकदम गुच्छा बना लेंगे। उस वहां पे जो विस्कोसिटी है ऑल ऑफ अ सडन एक तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे वो डीनेचुरेशन की स्टेज में जाने लगेंगे। और इसी प्रोसेस के दरमियान जो है वो वाटर को भी ट्रैप कर लेते हैं, इस वजह से वाटर की भी कमी हो जाती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे जो है ओवरऑल जो इसका टेक्सचर है, जो हम जो पहले फ्लूइड था वो इतना फ्लूइड नहीं रहा है, और बल्कि यहाँ पे ये एक तरह से ये एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रोटीन एग्रीगेशन होने का। इस प्रोसेस को बेसिकली प्रोटीन एग्रीगेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो है फाइनली हमारे लिए रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।